नमस्कार, आज हम गांव असालिया में हैं। आज यहां संतु भाई कम लागत में केचुआ खाद उत्पादन कर रहे हैं, उनके हम जानकारी लेते हैं। राम राम। राम राम। संतु भाई, हम ये काय कर रहा? ये जो ये केचुआ है ना, खाद बनावा वहां डाली खड्डो कमने। खाद तो सही पकड़ लो, दिन भर से हड़ानो खाद क्या बना? खाद नहीं थो, जुन यो गोबर फुक्को गोबर थो देना ही पकाड़ी रहा हड़ा नाखी ना खाते है बने तो तमन हड़ा नाखवा का जरूरत पड़ी थी। यो खाद बनवा में टाइम लगे ना, हड़ा वालो खाद एकदम वेगू बनी जाओ, खाद ताजो बनी जा ने खेत में असर लगे। खाद जुनो खाद के ना खेत में नाखी रहो, यो के ठंडू हो जो है ना, जो नवो एकदम गोबर नाखे भी गरम रहे तो हड़ा मरी जाए, विना यो जुनो थोड़ो हवा दिन नाखी रहा। ये तो बढ़िया तरीको है यार, मुने बता दो खाद कतर जल्दी बनी जा, आना खाद ना कतर बना। सबसे पहला यो खाड़ो खोदी ला, खाड़ो खोदी ने ठेली नाखी दा पल्लू। ये ठेली क्या है सारे? तो ठेली वाथरवा ही के आहड़ा रे भी मैं बाजू नहीं जा। इना बाद पुरानो गोबर ने कसरा ने यो हम यूं करी ने सब खाड़ो भर नाख, तो यो खाद बनवा बनवा रहे यो खाड़ो भरे जा। जिना बाद फिर आहड़ा में था खाड़ा में नाखी दा डाल दा, खाड़ो पूरो भरी जाए पर पानी है करी कर थोड़ो थोड़ो साटी नाखो पानी तो ता गीलो हो जाओ। आहड़ा नाखिया नाखवा बाद फिर इन्हें आप ढाखी दा इन्हें साया कर दो फिर बहादुर भाई। इना बाद दो महीना में यो खाद बनी तैयार हो जाए। ये पानी तो क्या नाखे? नाखवा ही कसरो गोबर थोड़ा नरम हो जाता है, खावा में ठीक रहे। इनमें आप क्या सावधानी रखनी से? पहले ध्यान के नो नयो गोबर है वो नहीं डालवो चाहिए। दूसरी बात ये कि खाड़ो जो अपने साया रहे वहाँ खोदना सही है। इन्हें ये कि तीन चार दिन में खाड़ो ये पानी डालना सही है। इन्हें खाड़ा में ये तेज धूप आवे इन्हें ढाकी देनो सही है कहीं। बाद में एक बात हजू इनमें कुकड़ा रहे ना, अपने कुकड़ा एक खोल खोल खाई जाए बिना ही इन्हें सावधानी रखने ढाकड़ी रखना सही है। इन ये सावधानी रखनी सही है कि इनमें जो प्लास्टिक ना ने कास ना ने भाठा ने कक्का छोटा छोटा काकरा ने ये एवा नहीं रहना सही है, बिना ही जानवर के टोपा है हो। सबसे पहला फायदा यो कि कुकड़ा कुकड़े आवे ना ये खोल ही नहीं सके इन्हें, यो फायदा है पहला। दूसरा फायदा यो कि इंदारू रहे तो ये आहड़ा वेगू वेगू खाद खा। तीसरा फायदा यो कि वो पानी हम ना खा ना वो पानी हुके नहीं वेगू, जमीन भी पोगर रहेगा ना खर्चो भी कम लगे। इनमें सामान आएगा लगा हम बनाओ खाते? यो कसरू ने गोबर 8-10 दिन पुरानो होना सही है, और एक प्लास्टिक की थैली सही सही है बरसाती टाइप रे, ताकि मोटो पानी आप कहीं डाला यो ती असा हुई केचुआ रहे ने ये अंदर बाजू जा ही नहीं सके। तो आप खाद बनावण हो ने एतरो मोटो खाड़ो खोद लो आप कसरो कुटो सब मैता हमई जा, यो खाड़ो आखो भराई जा जिना बाद ये कहीं टोपी देणो। यो संत भाई ना खाद ने बना का फायदा है? बादरू भाई सबसे पहला यो खा के खाद आप घर में तैयार हो जाए, यो आना खात में सब तरह ना पोषक तत्व रहे वे सब मिल जाए। तीसरा फायदा यो कि यो घर में तैयार हो जाए ना सब सस्तू पड़े यो। चौथा फायदा कि यो बाजार में खात एकदम मले कोई नहीं थी ना, आप घर में रहे तो आप कणी बिटी में उपयोग कर सका। पांचवी बात ये कि यो खाद जगह में डालवा ही जगह नरम हो न जो बाजार ही लावा वो खाद ना खा तो जगह कड़क हो ही नहीं। यो खाद डालवा ही 4-5 साल तक इनो फायदो थे, जगह नरम रहे वो खाद वो बाजार ही ला वो खाद जगह कड़क करे एकदम। आपने दूसरा किसान भाई ना आना काम उन बारे में तुम्हें क्या बता दोगा? मैं हमारा किसान भाई ने ये कहवा चाहूँ कि जो यो मैं खाद तैयार करी ना एवं एवं खाद भी सब तैयार करे और अनाज खाद ने डाले। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, राम राम।